निफ्टी ओवरबॉट सिनारियो में है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस जो है शॉर्ट और मिड एवरेज का वो काफी ज्यादा है, और ये मंथ पूरा मंथ में एक बार भी ये मिड एवरेज के पास नहीं आया, स्टॉक नहीं आया। इसका मतलब ये चांस है कि ये स्टॉक मिड एवरेज के पास आने के लिए कोशिश करेगा, और ये सब सिंबल बताने लगे हैं कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें अभी जो पोजीशन बनानी है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म बेयरिश वाले स्टॉक्स या कंप्लीट बेयरिश वाले स्टॉक्स में शॉर्ट सेल के लिए पोजीशन देखना है, क्योंकि ये ट्राई तो जरूर करेगा। मेरे ख्याल से निफ्टी में शॉर्ट सेल पोजीशन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये कैसे समझ में आ जाता है, जनरली क्या होता है, मंथ एंड के बाद वो देखना पड़ता है कि मंथली में हम देख सकते हैं मंथली का चार्ट में ये स्टॉक लास्ट मंथ की राइज विदाउट करेक्शन अनदर मंथ राइज, करेक्शन कुछ भी नहीं और सीधा विदाउट करेक्शन स्ट्रेट स्टॉक ऊपर गया है। इसका मतलब ये मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ मार्केट ये लेवल पे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट सेल की पोजीशन निफ्टी में करनी है तो 8550 कल ओपन हाई हो जाता है तो 8550 यहाँ पे शॉर्ट सेल, नेक्स्ट मंथ का निफ्टी का फ्यूचर करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट में रहेगा, अच्छा प्रॉफिट में रहेगा। और 200 पॉइंट की निफ्टी की बेयर रैली आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट मंथ का कर लेना क्योंकि ये दो तीन एक वीक तो थोड़ा टाइम पास करेगा और नेक्स्ट मंथ गिरने के लिए ट्राई करेगा, नहीं तो ये तुरंत आ गया 8350 के आजू-बाजू में तो वहां से वापस बाइंग चलेगी, लेकिन ये ट्रेड होने वाला है, गिरने वाला है निफ्टी। इसकी कॉन्फिडेंट कैसे है, तो यहाँ पे एमएसडी कट दे रहा है सेल के लिए, आरएसआई सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन है विथ डाइवर्जेंस सस्टेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ सस्टेंस है, और H3 का सेल चल रहा है। तो सुबह से मालूम पड़ रहा कि निफ्टी ऊपर में खुल के नीचे आने लगे तो समझने का कि थोड़ा मार्केट साइडवेज में या बेयर में जाने वाला है, रेजिस्टेंस हायर साइड में रेजिस्टेंस है, सस्टेन नहीं कर पाया हायर साइड में, इसका मतलब निफ्टी गिरने के लिए तैयार है। हमें कल शॉर्ट सेल की पोजीशन मिलती है तो शॉर्ट सेल करना चाहिए। अभी इसमें सबसे बेहतरीन कौन से रहेंगे स्टॉक्स जिसमें मंथली में बेयरिशनेस है, जिसमें मंथली के चार्ट में शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के नीचे है और आरएसआई एमएसडी नीचे रहेगी, हम इसमें नहीं है। अभी देखते हैं कौन से स्टॉक्स में होता है, मेरे ख्याल से हिंडाल्को है, काफी ऊपर गया है, वीक है, वैल्यू ऑफ एमएससीडी देखेंगे तो निगेटिव है और डेली में बड़ा गैप है, ये गिरेगा, इसका पुट ऑप्शन लेना चाहिए, हिंडाल्को का पुट ऑप्शन लेना चाहिए। इसमें स्ट्राइक प्राइस क्या रहना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस एनएससी
मेरे ख्याल से 134 है फाइव्स। टाइम ड्यूरेशन देखते हैं 129 का है 28। 134 का ही लेना पड़ेगा। हिंडाल्को स्टॉक ऑप्शन पुट वैल्यू 134 या 135 इन द मनी हो जाएगा 132। हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं 5 दिन का 4 रुपया है लॉट साइज का 28,000 हो जाएगी। 28,000 देना पड़ेगा। 7,000 का लॉट है और 4 रुपया प्राइस चल रही है, हमें 4 रुपये में लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 4.40 रुपये है, तो स्टॉप लॉस 135। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से 139 का स्टॉप लॉस रहेगा। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, इसमें है पुट ऑप्शन लेने की चांस। हिंडाल्को दूसरा कोई स्टॉक है क्या देखते हैं, भी गिर गया वो डिफरेंस ज्यादा रहने वाला देखना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म मिड एवरेज में डिफरेंस ज्यादा है डेली के चार्ट में, ये सब स्टॉक्स गिरने वाले हैं। दो मिनट देखते हैं और कोई है क्या। मंथली में वीकनेस और ये थोड़ा ऊपर जाने दो, उसके बाद में गिरना चालू करेगा, क्योंकि ये इसका टारगेट कंप्लीट नहीं किया। केन इंडिया ने टारगेट अपना कंप्लीट नहीं किया, इसको थोड़ा और ये आरएसआई ऊपर है, एमएसडी फ्लो के साथ ऊपर है, इसको शॉर्ट सेल मत करो, अभी दे देगा, टाइम आ जाएगा, हमें ये प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो और कोई है क्या ही, कैनरा बैंक कर सकते हैं, लेकिन कैनरा बैंक से अच्छा रहेगा हिंडाल्को, क्योंकि तो हिंडाल्को में गैप फॉर्मेशन है, ये कैनरा बैंक भी आप कर सकते हो। कैनरा बैंक थोड़ा शॉर्ट और मिड एवरेज में गैप ज्यादा चाहिए डेली चार्ट में, ऐसा कोई स्टॉक से क्या दिखते हैं। एचडीएफसी नहीं ले सकते क्योंकि क्वार्टर मंथली में बुलिशनेस है, तो गिरेगा लेकिन ये सेफ नहीं रहेगा, तो हमें थोड़ा और ढूंढना है। हिंडाल्को ही मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक भी गिरेगा, ICICI बैंक मैक्सिमम स्टॉक डेली के मिड एवरेज के लिए आने वाले हैं, लगते हैं यहाँ से यहाँ तक गिरना चाहिए, तो वहाँ तक आ रहे हैं, हमें वो स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए कैसे यूजफुल हो जाए वो देखते हैं। एलएनटी भी है, लेकिन एलएनटी का 1600 का कॉल बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये साइडवेज में रह सकता है,
निफ्टी शॉर्ट सेल है, शॉर्ट्स में खड़ा रहना चाहिए, अभी बाई नहीं करना चाहिए, या गिरने दो, डेली के मिड एवरेज के बाद हमें बाय के लिए सोचना है, तब तक के लिए बाइंग नहीं सोचना है, क्योंकि निफ्टी करेक्ट कर जाएगी तो बहुत सारे स्टॉक्स भी करेक्ट होने वाले हैं। ये भी एक बार करेक्ट हो जाएगा, टाटा मोटर। वेदांता भी अच्छा स्टॉक है, वेदांता, टाटा मोटर दो दिन में गिरने वाला है, वोल्टास ने लाया है, बना दिया, वोल्टास को शॉर्ट सेल मत करना। एस बैंक भी है, लेकिन ये जो इसमें शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के ऊपर है, क्वार्टरली में है, वैसे स्टॉक में इंट्राडे के हिसाब से देखना चाहिए, जैसे कोटक में हुआ आज, वो भी ये भी नीचे आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन हमें इंट्राडे के हिसाब से देखना है, क्योंकि वो वीकली में अच्छी तरह से बुल है, डेली में मिड एवरेज के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ये और क्वार्टरली में बुल है कंप्लीट, वैसे स्टॉक को इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना है। शॉर्ट सेल है, H1 में जब भी शॉर्ट एवरेज के नीचे क्लोज देता है, ऊपर खुल के शॉर्ट एवरेज के नीचे क्लोज देता है, आपको ही शॉर्ट सेल करना है, हमें शॉर्ट सेल के लिए वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द डे स्क्वायर अप करना चाहिए। अभी जो स्टॉक्स डेली के मिड एवरेज पे आके गए हैं वो बुल हो रहे हैं, वैसे ही स्टॉक्स अभी बाय में चलेंगे, एग्जांपल उसमें से जो मिड एवरेज पे आके बाय होने वाले स्टॉक्स हमें लेने चाहिए, वो बाय के लिए चलेंगे, उसमें से शॉर्ट सेल पोजिशन नहीं चलेगी, तो हमें बाय के लिए वो सोचना है तो वो सोचना पड़ेगा, लेकिन मार्केट तो थोड़ा नीचे ही आ रहा है। अलाहाबाद बैंक भी गिर रहा है, देखा था यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, तो ये रिट्रेसमेंट रैली देख के वापस गिरना चालू किया उसने। अमर राजा बैटरी ये बाय में जा रहा है। अभी ऐसा कोई स्टॉक कोरिलेशन रहेगा और क्वार्टरली में शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के ऊपर है, ऐसे स्टॉक्स कोई इंट्राडे के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं, तुरंत यहाँ पे बाय किया, शॉर्ट एवरेज के पास ऊपर छोड़ दिया, बात खत्म हो गई। शॉर्ट एवरेज को छोड़ के ऊपर के लाइन पे कभी भी बाय मत करना, क्योंकि वो प्राइस मिलने के लिए वापस तकलीफ हो जाएगी, मतलब वो प्राइस शायद नहीं आएगी कि मार्केट नीचे जा रहा है, इसलिए ऐसे हो सकता है। तो शॉर्ट एवरेज के पास आ गया, कवर बाय किया, ऊपर ले गया, क्लोज किया, ये हो सकता है। शॉर्ट एवरेज क्या आज के प्राइस के आजू बाजू का प्राइस हमें बाय के लिए रखना है। अभी थोड़ा मार्केट तो करेक्ट हो रहा है, 200 पॉइंट निफ्टी दिख रही है, नीचे गिर रही है, देख सकते हो वापस निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी गिर रही है, इसका अंदाजा दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, एक तो ये समझ में आया, लेकिन हायर में सेल है, लोअर में बाय है, वीकली में निफ्टी बुल है, तो शॉर्ट एवरेज के पास आने के लिए कोशिश करेगी, वही अपना डेली का मिड एवरेज है 8350, और ये भी 8350 ही है, तो ये हमें ये लेवल तक आने वाला है, तो ये शॉर्ट एवरेज के पास निफ्टी आने वाली है, तो ये तो श्योर है, हमें अभी देख सकते कैसी पोजीशन बनानी है। मेरे ख्याल से कल मार्केट ओपन होगा हाई में थोड़ा, और आपको H1 के चार्ट में शॉर्ट एवरेज के ऊपर क्लोज मिला, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट सेल करना चाहिए।
और 200 पॉइंट नीचे निफ्टी कवर करना चाहिए। और हिंडाल को हम लोग ने स्टॉक निकाले हैं, वो इसमें से हिंडाल को, बाकी भी स्टॉक्स ऐसे डिफरेंस ज्यादा रहेगा वैसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिस्ट दी है उसमें से क्या होता है कि वो क्वार्टरली में वीक है, वो गारंटेड होते हैं, मतलब हिंडाल को है, वेदांता है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा लूज है, कैनरा बैंक वीक है, मतलब हायर चार्ट में वीकनेस है उसमें, इसलिए वो मैंने ले लिया। बाकी एस बैंक भी है लेकिन हायर चार्ट में बुलिश है, तो ये ऐसे थोड़ा शॉर्ट सेल करते समय थोड़ा संभाल के करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए। अभी तो मार्केट थोड़ा करेक्ट हो रहा है और समझ में आना चाहिए कैसे मार्केट करेक्ट, रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड पकड़ने के लिए मंथली का टारगेट कंप्लीट किया, देखते हैं कि मंथली का टारगेट मंथली चार्ट में था हमारा, इसका 50% करेक्शन हुआ ही नहीं, सीधा टारगेट कंप्लीट किया, इसका मतलब ये ट्राई करेगा, ये मंथ निफ्टी तो करता ही है हमेशा, निफ्टी ऐसे कभी भी रुकती नहीं, जो ऐसे करेक्ट नहीं हुआ ऐसे होता नहीं, करेक्ट होना ही चाहिए, नेक्स्ट मंथ में तो कम से कम करेक्ट होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल से ये तो लेवल तो आना चाहिए 8350 निफ्टी शॉर्ट सेल करने के लिए अच्छा है। एट थ्री फाइव जीरो के नीचे शॉर्ट सेल मत करना, उसके नीचे रिस्की रहेगा शॉर्ट सेल। एंड स्टॉक्स में मैंने हायर चार्ट में जो वीक है वैसे स्टॉक्स को पुट ऑप्शंस या शॉर्ट सेल के लिए बोला है, जो और जो हायर चार्ट में मतलब क्वार्टरली और मंथली में जिसमें जिसमें शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के ऊपर है, एमएसडी ऊपर है, आरएसआई सिग्नल लाइन के ऊपर है, ऐसे स्टॉक्स में ये वेरिएशन दिखती है, डेली के में इतना बड़ी वेरिएशन मिलती है, तो भी शॉर्ट सेल करते समय पोजिशनल शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, इंट्राडे ही शॉर्ट सेल करना चाहिए, क्योंकि स्लोली 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 नीचे आएगा और कभी सडनली नीचे में खुला तो सडनली ऊपर जाना चालू करेगा, इसलिए हायर चार्ट के हिसाब से बुलिश रहने की वजह से वो सडनली ऊपर जाना चालू करेगा, नहीं तो ये स्टॉक्स अलाहाबाद बैंक भी है वो डेली के मिड एवरेज पे आ रहा है, आंध्रा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, जो पीएसयू बैंक्स जो मैंने बताया थे वो बाय में मत रखना, 3 दिन पहले जो क्लास हुआ था उसमें बताया था, जो वो तो श्योरली डेली के मिड एवरेज तो आते ही है, जो क्वार्टरली में वीक है जिनका शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के नीचे है, एमएसडी की वैल्यू निगेटिव है, ऐसे स्टॉक्स तो डेली के E30 पे अभी तुरंत आ जाएंगे, तो वैसे स्टॉक्स आप शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वाइड गैप वाला हिंडाल को मिला और वेदांता मिला, अलाहाबाद बैंक उस दिन था अभी थोड़ा गिर गया है, आंध्रा बैंक भी उस दिन था और थोड़ा गिर गया है, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में हिंडाल को मिल रहा है और वेदांता मिला है, बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में वो भी नीचे आ गया है, ऑलरेडी वो नीचे आ गया है, इसलिए जैसे क्लोज दिया वो नीचे आया। अभी ऐसे कोई स्टॉक्स रहेंगे बहुत सारे, इनका भी इसका भी एमएसडी वैल्यू निगेटिव है, इसमें ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो यहाँ तक तो आने वाला ही मिड एवरेज, तो अभी अभी का सिनेरियो में वो दिख रहा है, वो बाकी भी आएंगे लेकिन वो इंट्राडे के हिसाब से आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग है, एनी क्वेश्चन? केन इंडिया थोड़ा रुक के करना, अभी मत करना, एलएनटी फाइनेंस भी है, एलएनटी फाइनेंस 2 मीटर
अभी अभी शॉर्ट सेल नहीं कर सकते इसको। सर इसमें बाय पोजीशन बना सकते हैं क्या? 70 नहीं, बाय बाय पोजीशन अभी मत बनाओ, 72 में बनाओ। हाँ सर, 72 नहीं, 70 के आगे, 70 आजू बाजू में बनाओ। ओके सर, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है ना सर? अगर 70 पे, हाँ लॉन्ग टर्म डिलीवरी बाय के लिए अच्छा है ये? हाँ अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा रुक के करेंगे, डेली में क्लोज आने के बाद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, कावेरी सीड्स, कावेरी सीड्स वो काफी रिट्रेस हुआ मतलब। मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म बाय के लिए ठीक है, अभी बाय करके 406 पे छोड़ सकते हैं, 406 पे। नहीं, ये ऊपर में लेकिन बाय है लॉन्ग सर। टर्म बाय के लिए मेरे ख्याल से वो आपको थ्री फिफ्टी के नीचे मिलेगा। अभी ओके सर, मंथ एंड तक बाय मत करना, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद इसमें कर पोजीशन है सकते हैं। ऑलरेडी, मतलब वो हायर हायर बाइंग है, 430 पे बाइंग है, 430-435 पे बाइंग है। 430 पे बाइंग, तो होल्ड करना पड़ेगा। अभी तो बाय नहीं होता है, अभी तो नहीं बाय होता है। मेरे ख्याल से ये 430 का भाव, आप एक काम करो 340 या 350 में बाय कर लेना, एक बार वो एवरेज आउट हो जाएगा, ओके सर, 350 में मिल जाएगा वो। शोर शॉर्ट सेल के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, जो स्टॉक में वीकली में वीक है वैसे स्टॉक्स में, जो वीकली में वीक है कोई भी स्टॉक, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ एग्जाम्पल, 1 मिनट। वीकली में वीक है जिनका वैल्यू ऑफ एमएसडी निगेटिव है, मैं कोई है क्या स्टॉक देखता हूँ। हाँ ये देखो, ये शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो सकता है। हाँ ये IDFC हो सकता है, बेस्ट है वैसे कंडीशन में, IDFC बेस्ट है, IDFC शॉर्ट सेल के लिए। उसमें क्या है, एक तो पहले इससे निगेटिव वैल्यू निगेटिव है और डेली में क्लोज दे रहा है, फर्स्ट क्लोज आना चाहिए। देखो रिट्रेस होके फर्स्ट क्लोज आना चाहिए हमेशा, मतलब ऐसे देखा जाए तो ये थर्ड क्लोज है, पहले गिरा बढ़ गया उसके बाद फर्स्ट क्लोज दिया, बाद में ऊपर गया और सेकंड क्लोज आ रहा है, ये शॉर्ट सेल की पोजीशन है। और वीकली में एमएसडी के वैल्यू शॉर्ट एवरेज मिड एवरेज के नीचे है और एमएसडी के वैल्यू निगेटिव है, ये शॉर्ट सेल के लिए अच्छा रहेगा कल के लिए। 2 मिनट और फर्स्ट क्लोज देखना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे स्टॉक देखे वो बहुत बार गिरने के बाद है, वैसे नहीं चाहिए। 1 मिनट और भी है कोई रहेगा तो बताता हूँ। IRB भी है, जेट एयरवेज ये भी है, उस दिन हम लोगों ने देखा था कि इंडिया बुल रियल इस्टेट, ये देखा था जो शॉर्ट सेल के लिए है, मतलब तो ऐसा
सेल है और यहाँ पे क्लोज देता है तो सेल चलता है। ये मेरे ख्याल से गिरेगा। उस दिन हम लोगों ने ओरिएंटल बैंक भी देखा था, यहाँ से सेलो के नीचे जा रहा था, दो बैंक थे। पीएफसी भी है, लेकिन पीएफसी भी है। हाँ बोलो। करेक्शन में बाइंग के लिए क्या, बाइंग के लिए क्या करेंगे? भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो खरीदे हैं, मतलब क्या छह बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खरीदे भी निफ्टी हैं तो पिछले। थ्री पहले नीचे आने दो ना। बाइंग के लिए गिरे हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं? वो डेली के मिड एवरेज पे रहेंगे तो बाय कर सकते हैं, वीकली में बुल रहेगा तो, और क्वार्टरली में एमएसडी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और बुलिश रहेगा तो, जैसे एसी थी था वैसे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं आप। डेली के ये लेवल पे रहेंगे वो बाय कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल अभी कोटक आया है वो बाय कर सकता है। ओके डेली ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक आने वाला है, मिड एवरेज तक आने वाला है, ये अभी बाय करके कुछ फायदा नहीं, लगता है कि ज्यादा गिर गया, अभी गिरे और भी गिरेगा। और इसमें क्वार्टरली में जो इसके एमएसडी की वैल्यू निगेटिव है ऐसे स्टॉक में तो बाय नहीं करना चाहिए, गिरेगा, गिरने दो उसको। मैंने उस दिन भी बताया था पीएनबी गिरेगा करके उसके सेशन। तो ये जो वीक है और क्वार्टरली में वीक है और ओवरबॉट हुए हैं और डेली में वीकनेस पकड़ रहे हैं, वैसे स्टॉक्स शॉर्ट सेल के लिए अच्छे ही रहते हैं। सर रिलायंस इंफ्रा भी क्वार्टरली में वीक है? क्वार्टरली में वीक है ऐसे नहीं, देखो ये गिरने के लिए जगह नहीं है ना उसको। रिलायंस इंफ्रा का कंडीशन ऐसे है कि मार्केट के साथ में अभी गिरा है, ये देखो ये बुल है क्वार्टरली में, नेगेटिव एमएसडी, एमएसडी नेगेटिव रहने दो, लेकिन उसने कि ये एवरेज के ऊपर क्लोज कंटिन्यूअसली दिया है, मिड एवरेज के ऊपर क्लोज कंटिन्यूअसली दिया, और ये स्टॉक क्वार्टरली के हिसाब से देखेंगे तो ये एवरेज पे कभी भी आ सकता है 520 पे, लेकिन ये तो बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? वन मिनट, ये देखो डबल बॉटम है, अच्छी तरह से डाइवर्जेंस भी है और क्लोज भी दे रहा है, तो ये बाय की कंडीशन में है। थोड़ा वैसे चार्ट देखने के बाद मालूम पड़ता है कि बाय के कंडीशन, डबल बॉटम है, शॉर्ट सेल का प्योर नहीं है। पीएनबी देखेंगे तो प्योरली शॉर्ट सेल दिखता है, देखो प्योरली शॉर्ट सेल है, एमएसडी वैल्यूज निगेटिव है और डिक्लाइन में है, वैसे स्टॉक तो तुरंत गिरेंगे। तो आप कल समझो रिलायंस इंफ्रा के बारे में बात करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं, 560 के आजू बाजू में उसको एग्जिट कर लो पहला, ओके, और उसके एग्जिट कर लो 560 का ये लेवल पे, ये एग्जिट का लेवल है, एग्जिट कर लो बाय किया रहेगा तो, और बाद में इसमें जब प्रॉपर बाय आ जाएगा निफ्टी के साथ बाय आएगा तभी बाय कर लेना, नहीं तो रिकवरी के लिए 570 के ऊपर के कॉल बेच दो, सेल करो 570 के ऊपर के कॉल। डेली में जो लो हाई बनाया है इसके ऊपर के कॉल जितने भी रहेंगे वो बेचो, सेल करो, दो मेथड से। और अगर एग्जिट करना है कल तो E30 का, E30 पे एग्जिट करना, लेकिन बाई में डिक्लाइन में बाई मिलेगा इसको, इसमें शॉर्ट सेल पोजीशन नहीं क्रिएट होती है।
ओके और कुछ? गेल और उल्टा तो बाय में है ही है, लेकिन अभी मार्केट का करेक्शन है तो अभी वैसे कंडीशन रहेगी। उपेंद्र जी बाय के लिए मेरे ख्याल से 8,350 निफ्टी आएगा, तभी आप बाय के लिए सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सर, निफ्टी से दूसरे स्टॉक्स कोई है बाय करने के लिए? निफ्टी के मतलब एक्सिस बैंक बाय करो। अभी ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वार्टरली और मंथली का चार्ट देखना पड़ेगा, और क्वार्टरली और मंथली में, क्वार्टरली में बुल है और मंथली के शॉर्ट एवरेज पे आने वाला स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। रिलायंस इंफ्रा 520 पे आने के बाद बाय कर सकते हो, 530 से बाय करना चालू करो। दूसरा, दो मिनट, एक्सिस बैंक, सीमेंस भी है वो, लेकिन 1280 के आज जो में आने के बाद बाय करो। और एक्सिस बैंक किधर बाय करूं सर? एक्सिस बैंक, दो मिनट, मंथली और ये चार्ट ले लो, ये अभी 520 या 510 के आजू बाजू के प्राइस में बाय करने के लिए कोशिश करो। 500 आ सकता है, वैसे मंथली और क्वार्टरली चार्ट ले लो। इसमें क्वार्टरली मंथली के शॉर्ट एवरेज के पास आने वाला स्टॉक बाय करने के लिए सोचो। क्वार्टरली में बुलिश रहना चाहिए, RSI सिग्नल लाइन के ऊपर रहना चाहिए, वो देखना चाहिए। टाटा स्टील भी ऐसे 340 पे, ये देखो RSI ऊपर है क्वार्टरली का, तो 340 के आजू बाजू में बाय कर सकते हैं, ये लेवल पे 330 वैसे करना पड़ेगा। क्वार्टरली का RSI ऊपर रहना चाहिए। ये देखो UPL है, ये 520 के प्राइस पे बाय करो, मंथली के शॉर्ट एवरेज पे बाय कर लेना। ये अभी नहीं, ये देखो ये RSI ऐसे लगता है कि ये ऊपर है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हुआ है, तो ये निगेटिव में है, ऐसे मत करना। ये होल्टाज भी है, 320 के प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स हैं, वैसे कर सकते हैं आप। क्वार्टरली और मंथली ओके लगाओ, मंथली में MACD की वैल्यू पॉजिटिव, RSI अबव सिग्नल लाइन, क्वार्टरली में MACD की वैल्यू पॉजिटिव, RSI अबव सिग्नल रहेगा, लाइन रहेगा तो और अच्छा, वैसे स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो सर, नीचे आने के बाद। लेकिन जिसकी MACD की वैल्यू PNB है, वो E6 के पास बाय करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्वार्टरली में वैल्यू निगेटिव हो, गिर सकते हैं और भी। ये देखो RSI सस्टेन रहना चाहिए, ऐसे वैसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे। एनी क्वेश्चन रवि? व्हाट इज योर क्वेश्चंस, इनकम्प्लीट क्वेश्चंस प्लीज। कौन सा? रिलायंस इंफ्रा 560 आंसर दिया मैंने, डेली H3 के E30 पे आप सेल कर लो, और थोड़ा बाद साइड में रखो, फ्यूचर कैश में रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, नीचे में जाके घूम के तुरंत आ जाएगा ऊपर, तो मार्केट के वजह से गिर रहा है, निफ्टी ओवरबॉट है इसके लिए वो गिरेंगे तब। एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट।